मणिपुर में भड़की भयंकर हिंसा में 54 लोगों की मौत के बाद सेना की भारी मौजूदगी में इम्फाल घाटी में जनजीवन धीरे धीरे अपनी पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर इन दिनों हिंसा की आग में अभी भी जल रहा है। राज्य में स्थिति को बिगड़ता देख केंद्र ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मणिपुर के लिए भेजा है। सेना और पैरामिलिट्री के 10,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती के बाद यहां हिंसक घटनाओं में थोड़ी बहुत राहत जरूर आई है, लेकिन इस बीच सवाल ये है कि आखिर मैतेई और नगा कुकी समुदाय के बीच विवाद क्या है और क्यों छिड़ा है, आखिर क्यों जल रहा है मणिपुर। मैतेई नगा कुकी आबादी का गणित क्या है और ये सब कुछ इस रिपोर्ट में जानेंगे। साथ ही हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किस वजह से मणिपुर में बिगड़े ये हालात हैं और क्या है इस विवाद की मुख्य वजह। मणिपुर में हिंसा के पीछे दो वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह ये है कि यहाँ के मैतेई समुदाय को अनुचित जनजाति का दर्जा देना। मणिपुर में मैतेई समुदाय बहुसंख्यक वर्ग में आता है, लेकिन इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है, जिसका कुकी और नागा समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय के पास आजादी के बाद से ही आदिवासी का दर्जा है, अब मैतेई समुदाय भी इस दर्जे की मांग कर रहा है, जिसका विरोध कुकी और नागा समुदाय के लोग कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय का कहना है कि मैतेई समुदाय तो बहुसंख्यक समुदाय है, उसे ये दर्जा कैसे दिया जा सकता है। साथ ही इस हिंसा की दूसरी वजह यह है कि सरकारी भूमि सर्वेक्षण, राज्य की बीजेपी सरकार आरक्षित वन क्षेत्र खाली करवा रही है। आदिवासी ग्रामीणों से आरक्षित वन क्षेत्र खाली करवाया जा रहा है और कुकी समुदाय सरकार के इस सर्वेक्षण और अभियान का विरोध कर रहा है। कुकी समुदाय के लोगों ने 3 मई को मैतेई समुदाय को मिलने वाले दर्जे और सरकार के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया और इसी प्रदर्शन में हिंसा शुरू हो गई। 4 मई को जगह जगह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। 4 तारीख को ही मैतेई और कुकी समुदाय के बीच ये झगड़ा शुरू हो गया। 5 मई को जब हालात खराब हुए तो वहां पर सेना पहुंची। इसके बाद 10,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। 5 मई की ही रात भारतीय राजस्व सेना के अधिकारी मिंथांग की भीड़ ने हत्या कर दी। इनकी हत्या इन्हें घर से निकाल कर की गई। मैतेई नगा कुकी आबादी का विवाद समझने के साथ ही जरा इस राज्य की भौगोलिक संरचना से रूबरी होना जरूरी है। देखा जाए तो झगड़े की असली जड़ यही है। दरअसल इस राज्य का आकार फुटबॉल के स्टेडियम जैसा है। इसमें इम्फाल घाटी प्ले फील्ड जैसे बिल्कुल बीच में है। इसके चारों तरफ पहाड़ी इलाके गैलरी जैसे हैं और मणिपुर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले 2 हाईवे इस राज्य को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। राजधानी इम्फाल में इसकी अच्छी खासी संख्या है। ये आमतौर पर मणिपुरी कहलाते हैं और 2011 की आखिरी जनगणना के मुताबिक ये लोग राज्य की आबादी का 64.6% हैं। लेकिन मणिपुर के लगभग 10% भूभाग पर ही ये रहते हैं और अधिकतर मैतेई हिंदू हैं और 8% मुस्लिम हैं। मैतेई बहुसंख्यक समुदाय होने के अलावा इनका मणिपुर विधानसभा में अधिक प्रतिनिधित्व भी है और ऐसा इसलिए है क्योंकि मणिपुर राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 इम्फाल घाटी क्षेत्र में हैं। ये वो इलाका है जो ज़्यादातर मैतेई लोगों ने बसाया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य की आबादी में नगा और कुकी आदिवासी भी हैं जिनकी आबादी लगभग 40% है, लेकिन वो मणिपुर की 90% जमीन पर आबाद हैं और इस तरह से इस पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र की 90% जमीन पर राज्य की 35% मान्यता प्राप्त जनजातियां यहां निवास करती हैं। साथ ही इस क्षेत्र में केवल 20 विधायक ही विधानसभा जाते हैं। जिन 33 समुदाय को जनजाति का दर्जा है वो नगा और कुकी जोमिस जनजाति के आते हैं और मुख्य तौर पर ईसाई हैं। साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक मणिपुर में हिंदुओं और ईसाइयों की लगभग बराबर आबादी है, मतलब इन दोनों की ही आबादी लगभग 41% है। बस मसला यही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मैतेई समुदाय क्या कहता है। आज तक नागा और कुकी जोमी जनजातियों की 34 उप जनजातियां सरकार की अनुसूचित जनजातियों की सूची में है, लेकिन अब मैतेई नहीं है। हालांकि अनुसूचित जनजाति मांग समिति मणिपुर के माध्यम से ये समुदाय दशकों से एसटी दर्जे की मांग कर रहा है। उनका तर्क है कि 1949 में भारत में विलय से पहले उन्हें मणिपुर की जनजातियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन जब संविधान
यानी अनुसूचित जनजाति का संविधान आदेश 1950 का मसौदा तैयार किया गया था, तब उन्होंने ये टैग खो दिया था। ये दावा करते हुए उन्हें एसटी सूची से बाहर कर दिया गया था। वो अपनी मांगों पर अड़े रहे, हालांकि उनकी मांग का राज्य के मौजूदा 36 एसटी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले आदिवासी छात्र संघों ने कड़ा विरोध किया है, जिन्होंने तर्क दिया है कि मैतेई एसटी का दर्जा देने से आरक्षण के माध्यम से आदिवासी समुदायों की रक्षा करने का मकसद नाकाम हो जाएगा। साल 2012 से आदिवासी के दर्जे की मांग को लेकर आगे बढ़ाने वाले मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति के महासचिव भोगेंद्र जीत सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि भारत का कोई भी नागरिक, जिसमें हमारे अपने पहाड़ी लोग भी शामिल हैं, इम्फाल घाटी में आकर बस सकते हैं। मैती समुदाय के संगठनों का कहना है कि एसटी दर्जे की मांग उनके अस्तित्व और बाहरी लोगों की आमद से सुरक्षा के लिए जायज है, खासकर म्यांमार से। उनका कहना है कि एसटी टैग से उन्हें आदिवासी लोगों की तरह पहाड़ियों में जमीन हासिल करने में मदद मिलेगी, जिनके अनारक्षित इम्फाल घाटी में जमीन खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मैतेई समुदाय की नाराजगी है कि उनके रहने की जगह इम्फाल घाटी में आदिवासी जमीन खरीद रहे हैं, लेकिन उनके पहाड़ों में ऐसा करने की मनाही है। फिलहाल दुकानें और बाजार फिर से खुल गए हैं और सड़कों पर कारें चलने लगी हैं। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में लगाए गए कुल कर्फ्यू में रविवार को सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 3 घंटे की ढील दी गई थी, ताकि लोगों को भोजन और दवा जैसी जरूरी वस्तुएं खरीदने में सुविधा हो सके। सेना, रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय पुलिस बलों की अधिक टुकड़ियों के आने से मजबूत हुई सुरक्षा को सभी प्रमुख इलाकों और सड़कों पर साफ देखा जा सकता है। मणिपुर में हिंसा से प्रभावित करीब 13,000 लोगों को बचाया गया है और उनको सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। इनमें से कुछ को सेना के शिविरों में भेजा गया है और सेना ने चुराचांदपुर, मुरेह, काकचिंग और कांगपोकपी जिलों को अपने कड़े नियंत्रण में ले लिया है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला।